हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। गाइज, क्या है कि हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, भाई लोग हैं, जो एकदम से फ्रेशर हैं और कई दिनों से कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि आप हमें भी काम बताइए, तो मुझे लगा कि चलो यार, एक वीडियोज में उनको उनकी गलत फहमी जो है मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ऐसा है कि आप तो पता है, आपको पता होगा कि मैं एक CNC का ऑपरेटर सेटर हूँ, तो मैं ज़्यादा CNC ऑपरेटर और सेटर और जो भी BMC के हैं उनके मैं जॉब लगवाता हूँ। लेकिन जो फ्रेशर हैं, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, सोनू पासवान 1569 को आपने फॉलो कर लिया, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भैया कितने का रूम मिल जाएगा, कहाँ पे रूम मिलेगा, हम किस कंपनी में ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा। और देखो भाई, सैलरी अब आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यहां पे अगर आप नए हैं तो आपको 8 घंटे के 10,500 रुपये दिया जाएगा, प्लस आपको 4 घंटे ओवर टाइम डेली मिलेगा। कुल मिला के आप 15-16 हज़ार रुपये आराम से आप बना लेंगे, 14-15 हज़ार रुपया काट पीट के आपके अकाउंट में आ जाएगा और PF भी कटेगा। कुल मिला के आप 10,000 रुपया आराम से बचा लेंगे, कहने का ये मतलब है। तो देखो भैया, ऐसा है कि आप लोग अगर काम करना चाहते हो फरीदाबाद इंडस्ट्रीज में, तो मैं आप लोगों को बस कहता हूँ कि देखो, कम से कम 5,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। अगर दो लोग हो तो भाई 3,000-3,000 रुपये से 4,000 रुपये आप लेकर आ जाइए और रूम ले लीजिए, और उसके बाद अपना कंपनी में अपना ट्राई करके लग जाइए। अगर आप CNC BMC के अगर ऑपरेटर हो तो भाई मैं तो लगवा दूंगा तुरंत, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, जॉब आपकी लगवा दूंगा। लेकिन आप अगर नए हो तो भाई टाइम लगेगा यार, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी है टाइम लगेगा, क्योंकि मैं हेल्पर फ्रेशर जो हैं उनकी मैं जॉब नहीं लगवाता हूँ। सिर्फ आप लोगों को 10-2-4-5 जो कंपनियाँ हैं मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जाइए, यहाँ कंपनी है, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी इतना पेमेंट देती है, इतने तारीख को पेमेंट हो जाता है। मैक्सिमम जो यहाँ पे कंपनी है गाइस, 10 तारीख से लेके 12-13 तारीख के बीच में पेमेंट कर देती हैं। और देखो भाई, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया जो कंपनी है वो कंपनी बेस है या ठेकेदारी है, तो आपको बताना चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ की कंपनियाँ हैं, लगभग सारी की सारी कंपनियाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट में हो गई हैं, बोले तो ठेकेदारी में ही हैं, और कुछ ही कंपनियाँ बची हैं जो अभी कंपनी के बेस पे चल रही हैं सब कुछ, बाकी सब ठेकेदारी हैं। बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पेमेंट टाइम टू टाइम मिलता है। बहुत सारे मेरे यार मित्र दोस्त जो फ्रेंड है ना, वो काम करते हैं अभी भी, बहुत सारे हैं। तो आप लोग कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप वहाँ पर मेरे को कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।